नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए डालते हैं एक नज़र ललितपुर जिले की खास खबरों पर। ललितपुर यातायात पुलिस द्वारा एक वाहन चालक का 14,000 रुपए का जुर्माना ठोकने से परेशान वाहन चालक ने पुलिस अधीक्षक से मदद की गुहार लगाई। मैं SP ऑफिस में एक शिकायत पत्र देने आया हूँ। हमारी गाड़ी पकड़ी गई और हमारे मिलने वालों की गाड़ी थी और अस्पताल जा रहे थे, तो यहाँ GGIC स्कूल के पास पकड़ ली और उन्हें अंदर रख ली और मुझको बताया भी नहीं, ना कोई वो दिया, पर्ची दी, ना कुछ नहीं दिया हमारे लिए। और दूसरे दिन मैं आया जब यहाँ लेने, तो बोल रहे हैं आपकी गाड़ी सीज हो चुकी है और इसके 14,000 रुपये लगेंगे आपके लिए। और एक महीने से मैं 2-3 बार आया यहाँ पे कि हमें रिसीविंग दो, हम कोर्ट से चढ़वाएं गाड़ी, तो कोई देते नहीं, कल वो सर्च नहीं कर रही मोबाइल पर, इसलिए वो रखी है और हमको दूसरों की गाड़ी है वो देनी है, तो वो हमको टॉर्चर कर रहे हैं, इसलिए मैं शिकायत पत्र देने आया हूँ यहाँ पर।